मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा केस वॉरियर के फेसबुक पेज पे। आज एक नया दिन और आज केस वॉरियर आपके लिए एक नया इवेंट लेकर आया है, केस वॉरियर यूथ आइकन। इसका यह पहला एपिसोड है और जैसा कहा जाता है कि यूथ का डंका अगर जिस इंडस्ट्री में ना बजे तो वो इंडस्ट्री का ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल है। और जैसा जिस कंट्री में हम रहते हैं, इंडिया में, ये यूथ कंट्री का दर्जा इसे प्राप्त है। और अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज में भी यूथ का डंका बज रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ऑल क्रॉस इंडिया हर जगह यूथ एज ए कैरियर वेस्टीज को ले रहे हैं और एक ऐसी इनिशिएटिव केस वॉरियर ने ली है। हमारे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना फिर हम लोग भी मिलकर के जो हमारी जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उनको और भी तरीके से उभारा जाए। वेस्टीज एज ए यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम हम लोगों को एजुकेट कर रही है, बहुत सारे यूथ आइकन उसमें हैं और लोग उनसे इंस्पायर होकर के बहुत सारे यूथ और भी डंका बजा रहे हैं। तो मैं ये सीरीज लाया हूं ऐसे यूथ आइकन की जो केस वॉरियर के यूथ आइकन है, और उन सीरीज में आज मैं दो ऐसे क्राउन डायरेक्टर यूथ को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं जो जिन्होंने यूथ का डंका बजाया है, क्राउन डायरेक्टर है। मैं यहां वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर विवेकानंद मिश्रा एंड मिस्टर अभिषेक कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और थैंक यू सो मच, स्वागत करना चाहूंगा, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहूंगा केस वॉरियर के फेसबुक पेज पे। और जैसा आज आपने सुना, आज आप लोग को सुनने के लिए लाखों लोग आज इस केस वॉरियर पे जुट चुके हैं, ना सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर हर जगह से लोग आप लोगों को सुनने के लिए यहां पर है। मिस्टर अभिषेक, आप न्यूली क्राउन डायरेक्टर है, इस लॉकडाउन में भी आपने वो यूथ का जो जोश है, जज्बा है, आपने बना के रखा और आप क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव किए, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और विवेकानंद मिश्रा, सो मच विवेकानंद मिश्रा, थैंक यू विवेकानंद मिश्रा, एक ऐसा यूथ आइकन, यूथ सेंसेशन जिसने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। आज इसने अपने इनकम से एमजी हेक्टर 24 लाख की कार इसने खरीदी है। आज अगले एक घंटे में हम लोग सिर्फ यूथ की बात करेंगे कि यूथ क्या कर सकता है, उसके अंदर में क्या पावर है, वेस्टीज में एज ए कैरियर वो क्यों आए, क्योंकि ये दो ऐसे लोगों को मैं पहले एपिसोड में लेके आया हूं जो ये सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में इनके फादर ने वेस्टीज को ज्वाइन करा और एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनाया जिस इंडस्ट्री में लोग अपने बेटे को लाने के लिए सोचते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री में इन्होंने लाया। और इनके फादर भी, एक के फादर क्राउन डायरेक्टर है, एक के फादर डायमंड डायरेक्टर है, और इनका दोनों बेटा यहां क्राउन डायरेक्टर है। एक होटल इंडस्ट्री से है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं उनकी। आज वो आपको बताएंगे आज उन्होंने पढ़ाई कहां से करी है। और एक ऐसे शख्स जो पढ़ाई कर रहे थे, न सिर्फ ये, इसका छोटा भाई, इसका कजन ब्रदर, हर लोग मिल करके आज यूथ का डंका बजा रहा है। तो मैं सबसे पहले मैं यहां पे आप लोगों के बीच में लाना चाहूंगा मिस्टर विवेकानंद मिश्रा। विवेक, कैसा लग रहा है और आपकी, हाँ, और आपकी जर्नी मैं ये जानना चाहूंगा कि आप वेस्टीज में कैसे आए और कैसे आपका सफर स्टार्ट हुआ? सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विवेकानंद मिश्रा है और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस टीम का, जिस टीम का हिस्सा हम लोग हैं, केस द वॉरियर टीम का। और सबसे बड़ा धन्य हम उस कंपनी के लिए हैं, यानी कि वेस्टीज कंपनी के लिए, जिस कंपनी में हम लोग वर्क कर रहे हैं। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि फर्स्ट कंपनी मेरी वेस्टीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, पांचवी कंपनी, और मेरी पहली कंपनी, और जो हम लोग मिलके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही ऊपर वाले का धन्यवाद जो ऐसी कंपनी में हमको डायरेक्ट लाया, और उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया, उस व्यक्ति का
उस व्यक्ति कोई और नहीं, वो मेरे खुद के पिताजी हैं। तो मैं चाहता हूं उनके लिए बहुत बहुत धन्य, और एक जोरदार ताली उनके लिए जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को मुझे एज ए कैरियर करने के लिए सजेस्ट किया, और उन्होंने कहा कि बेटा अगर तू जीवन में किसी का नौकर नहीं बनना चाहता तो इस बिजनेस को कर जा। उन्होंने हमसे दो क्वेश्चन पूछी थी कि तुम्हें मालिक बनना है या नौकर। मैंने कहा मालिक बनना है, तो बोले कि मेरी तरह नौकरी मत करना, तो कुछ बड़ा काम करना। बट हमारे पास पैसे की कमी थी, पैसे नहीं थे, तो हम लोग कुछ बड़ा भी नहीं सोच सकते थे, कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री ऐसा है जो बिना इन्वेस्टमेंट के तुम लाखों रुपए करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हो। और मैं इस बिजनेस का विजन देखा, इस बिजनेस को मैंने जांचा, इस बिजनेस को के बारे में मैंने रीड किया। रीड करने के बाद मुझे लगा कि ये भविष्य का बहुत बड़ा बिजनेस है, और हम यूथ अगर इस इंडस्ट्री में आ जाए तो इस इंडस्ट्री को हम चार चांद लगा सकते हैं। और इंडिया में तो कुछ भी, हमने डेटा देखा डायरेक्ट सेलिंग का, तो इंडिया में बहुत ही कम का था। तो हमने सोचा कि यूथ अगर आ जाए तो एक बहुत बड़ा कारनामा रचा जा सकता है। और मैंने काम स्टार्ट किया, शुरुआत में बहुत सारे स्ट्रगल आए। साइकिल से मैंने काम को स्टार्ट किया था, लोगों के पास जाता था, लोग सुनते नहीं थे, लगातार 56 दोस्तों ने लगातार मना किया था, बट मैं रुका नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आप कहा जाता है कि पास होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि फेल होना। अगर आप फेल होते हैं तो आपके अंदर की कमी बाहर निकल के आती है कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं पास नहीं हो पाया। तो मैं जब 56 लोगों से रिजेक्शन मेरे पास लगी तो मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर में कमी है, और मैं उस कमी को दूर किया। आज हमारे साथ लगभग 29,000 लोगों की टीम है, बहुत, और मैं बहुत ही अपनी टीम के लिए बहुत बहुत मैं बहुत धन्य हूं कि आज हमारी पूरी टीम मिलके हमारे साथ पूरी एल्टायर लीडरशिप काम कर रही है। और सबसे बड़ा मैं ब्लेस्ड हूं कि हमारे जितने भी अपलाइन हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो ऐसा टीम, ऐसा ऐसा प्यार कहीं और नहीं, वो सिर्फ आ सकता है तो सिर्फ वेस्टीज में आ सकता है, और केस द वॉरियर के टीम में आ सकता है। थैंक यू सो मच विवेकानंद। और मैं अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा मैं जानता हूं कि आपने, आप एब्रॉड भी रहे हैं, आपने बहुत हाई लेवल की स्टडी भी करी है, और कैसा रहा, कैसे आप यहाँ पर इस वेस्टीज फैमिली में आप आए? सर, ये जर्नी 2 साल पहले की है, और वेस्टीज में काम करने का ऐसा कोई इरादा हम लोग, मेरा तो नहीं था, बता दूं मैं आपको। आज हम लोग जो भी हैं, जैसे विवेक जी बताए, हम लोग के सक्सेस के पीछे एक आदमी का हाथ है, वो है हमारे फादर। तो सबसे बड़ा एजुकेशन जो हम लोग को मिलता है वो हमारे फादर से मिलता है। हम लोग पूरी लाइफ में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। फादर ने बहुत स्ट्रगल किया, हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, एम्पायर खड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाने को वो जरूर देते हैं। वेस्टीज हम लोग ज्वाइन किए लोगों का चेक देख के, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के, टू द वेरी फ्रैंक, जो चीज हम लोग को अट्रैक्ट किया कि कुलवीर जी के सर पास, उस सर के पास BMW था, किसी पास ऑडी था, हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग इतना पैसा कमाते हैं, कभी व्हाइट में या ब्लैक में कहीं से भी इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं इनकम टैक्स का ये हो झमेला, ये वो लटपटप, 2 बार फॉरेन ट्रिप जाना हो, नहीं जा पाते हैं, टाइम नहीं निकल पाता, बिजनेस देखना है, ये करना है, वो करना। वेस्टीज में जो लाइफस्टाइल मिलता है, अभी मेरे फादर फॉरेन ट्रिप होके आए, हम लोग भी होके आए। मैं आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वेस्टीज मेरा टीम, जो टीम साइज जो है वो 1200 या 1300 आदमी का टीम साइज है। पिछले 2 साल से मैं वेस्टीज को एज अ पार्ट टाइम लेके चल रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर मैं चाहता तो ये जो क्राउन डायरेक्टर का शिप है वो बहुत पहले हो गया होता, लेकिन क्योंकि मेरे पास हर वो चीज है, अगर मुझे आज कुछ खरीदना है तो भाई पापा का क्रेडिट कार्ड है, होटल से पैसा आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ खरीद सकते हैं, जो मन चाहे वो ले सकते हैं। एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ अपने फादर का, ये लॉकडाउन में ये सिखाया। फरवरी मार्च का महीना था, हमारे सर कुलवीर जी सर जानते हैं मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, हम लोग अपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया होटल इंडस्ट्री में, जितना पैसा था, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि फ्यूचर में ये ऐसा होने वाला है, लॉकडाउन होगा, सब जगह बंद हो जाएगा। हम लोगों ने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 2-2 गाड़ियां हैं, घर है, लोन था। एक दिन मेरे फादर थोड़ा परेशान थे, मैं आराम से आया होटल, नाश्ता वास्ता करके घूमते फिरते 11 बजे
मेरे फादर टाइमली है, एकदम पंक्चुअल, सुबह 6 बजे उठते हैं, सारे डाउनलाइन को फोन करना स्टार्ट, सब मैं देखता हूँ उनका एंथुसियाज्म, काम करने का जज्बा, हम लोग से ज्यादा डबल काम करते हैं वो। मैं 11 बजे आराम से होटल पहुंचा, मेरे फादर बोले कि एक बात बताओ, सारा कैश पैसा खत्म हो चुका है, दोनों घर का EMI जाना है, बैंक का लोन जाना है, गाड़ी का लोन जाना है, मैं फ्रैंक बताऊं, सच सही बात बता रहा हूँ, तो क्या करूं, LIC तोड़ दूं, बॉन्ड तोड़ दूं, जो FD है वो तोड़ दूं, या क्या करूं। मैं कहा पापा तोड़ना क्यों है, हटाओ, दो गाड़ी है, एक गाड़ी बेच देते हैं, बाद में फिर खरीद लेंगे। मेरे फादर ने एक बात बोली, वो उस बात आज तक मैं अपने रिलैक्स नहीं हो पाया, वो कि कोई भी सामान बेच देना सबसे आसान है, लेकिन प्रॉब्लम में डट के खड़ा होना, सॉल्व करना, वही सच्चे लीडर का काम है। अगर लॉकडाउन में तुम्हारा एक EMI बाउंस नहीं हुआ, समझ जाओ तुम सही लीडर हो। और मैं आपको बता दूं, वो मार्च का महीना था, एक महीना में मैंने लग के मैंने कहा आप देख लीजिए, तो घर का EMI, दोनों गाड़ी का EMI मैं वेस्टिस के चेक से जमा करूंगा, और यही एक महीना में मैंने क्राउन किया, और इस महीना 4 LOB भी करूंगा, ये मैंने उनको बोला। और जिस मेरे फादर ने बात बोली, मुझे रात में नींद नहीं आती। लोग बोलते हैं कोरोना आ गया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सर हम जिस दिन प्रॉब्लम से हट के सॉल्यूशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे, हम और मेरे डैड जब बैठते हैं, सिर्फ यही बात होता है कि तुमको किस लेग में काम करना है, मुझे किस लेग में काम करना है, कि कहाँ पे कितना PV निकालना है, कैसे करना है। हम लोग ये प्रॉब्लम नहीं करते कि कोरोना है तो ये दिक्कत है, प्रॉब्लम्स की बात तब होगी जब हम लोग उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे लोगों में कि उनके फादर नौकरी करते थे और बच्चों को नौकरी करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। आज मेरे फादर, मैं आपको बता दूं, मेरे फादर हम लोग डिस्कस करते हैं गाड़ी कौन सा लेना है, ऑडी खरीदना है कि कुल जगवार लेना है। अगर आप यही चीज 90% फैमिली में चल जाओ तो वो डिस्कस करते हैं कि बेटा बैंक का फॉर्म भरना है कि रेलवे का फॉर्म भरना है। दिक्कत यही पे आता है, कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये इंस्पायर नहीं करते हैं कि आप और भी बड़ा सोच सकते हो, और भी बड़ा कर सकते हो। जब तक आप उसको उम्मीद नहीं दोगे, सपोर्ट नहीं दोगे, तो वो ना तो प्लेटफॉर्म खोजेगा, घर में बैठ के सिर्फ टाइम काटेगा। दिस इज द अभिषेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जो स्टडी रही है वेस्टीज के, पहले आपने एजुकेशन जो लिया है, उस एजुकेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आप इसके पहले भी आपने कई जगह जॉब करे हैं। जी सर, वो आपके माइंड में स्कूलिंग रांची से, हाँ मेरे पूरी स्कूलिंग रांची से हुई, सेंट जेवियर स्कूल, फिर डीएवी शामली से प्लस टू किया, इंजीनियरिंग दिल्ली से सबसे बड़े कॉलेज से किया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की, बाहर अब्रॉड भी गया, लंदन, सब जगह ऐसे होके आके घूम फिर के बड़े बड़े MNCs में जॉब किया। वहां मैंने एक चीज देखता था, बिल्कुल मैं जब जॉब में था, आज मैं जब जॉब छोड़ के वापस आया, तो एक ही चीज था मेरे दिमाग में कि मेरे चाइल्डहुड में, मेरे यंग एज में, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरा टाइम है कि उसके ओल्ड एज में बैठ के घर में उनको एक भी चीज की तकलीफ ना हो। आज मेरे घर में मेरी मॉम है, हार्ट की पेशेंट है, फादर है, अस्थमा प्रॉब्लम है, उनको टेंशन नहीं होता किसी भी चीज के लिए। आज वेस्टीज है मेरे पास, लोग बोलते हैं वेस्टीज पार्ट टाइम है, आज हमारे लिए वेस्टीज फुल टाइम है। मैं होटल का बुकिंग छोड़ दूं, मैं कस्टमर से बात करना छोड़ दूं, लेकिन अगर मुझे कहीं पे प्रोडक्ट डिलीवर करना हो, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे मालूम है कि वेस्टिज, जिस आदमी ने वेस्टिज का पावर, वेस्टिज का सिस्टम समझ लिया, उसके लिए कोई भी डाउट मन में नहीं होता, वो रात को 12 बजे भी निकल जाएगा काम करने के लिए। इस सिस्टम को समझना सबसे जरूरी है। आज हम लोग अपने सोसाइटी में, अगर आप लोग एक नोटिस करते होंगे, जितने भी लोग आज आप इस देख रहे होंगे इस शो को, कि अगल बगल आप देखिए, अपने बच्चों को वो लोग पढ़ा लिखा के फॉरेन या विदेश में बोलते हैं कि मेरा बच्चा वहां है, मेरा बच्चा, लेकिन आपका टेक केयर करने वाला कौन है ओल्ड एज में? आपने ऐसा क्या किया कि आपके बच्चे आपके पास रहें, अपना हर सपना पूरा करें और आपके लिए भी सब कुछ करें? आज उनके माँ बाप को देखिए, बूढ़े हो चुके हैं, घर बैठे हैं, बच्चे फॉरेन में, किसी के MNC में जॉब कर रहे हैं, छोड़कर नहीं आ सकते क्योंकि आपने कुछ किया नहीं उनके लिए। आज हमारे पेरेंट्स हमें एजुकेशन के साथ साथ अपने पैर पे खड़ा होना सिखाया, पैसिव इनकम का पावर सिखाया कि कैसे होता है,
हम जब से मुझे याद है 2000 में से मेरे फादर नेटवर्किंग करते आ रहे हैं। हम लोग छोटे थे, स्कूल 10th का एग्जाम दे रहे थे, हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते रहते थे, हमारे फादर नेटवर्क का पावर समझाते थे हम लोग को। आज वही चीज है जो आज हम लोग को काम आ रहा है। आज मैं यहाँ पे बैठे हर एक लोग, जब भी मेरे टीम के लोग या कुछ कोई हमारे एल्डर लोग आते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ कि आने वाले जनरेशन को बहुत लेट हो चुका है, आने वाले जनरेशन को पैसिव इनकम का पावर सिखाइए, नौकरी का नहीं। नौकरी करेंगे तो आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही बात कही। क्योंकि जो यूथ है, और आपने आपने ये बात अभी बताई आपने कि इस लॉकडाउन में जो फादर ने आपको बात कही वो बातें आपकी लग गई, और जो यूथ में जो पैशन होता है, जो पावर होता है ना, वो देखते ही बनता है। और शायद वो जोश और जो जुनून आपके अंदर में था, आपने कहा कि फादर आज हमारे फादर हैं, उनके अंदर में दोगुना जुनून है, कहीं ना कहीं वो भी आपको इंस्पायर किया। तो थैंक यू सो मच। मैं विवेकानंद से पूछना चाहूंगा एक बात कि विवेकानंद आप मुझे ये बताओ कि जब आप हिस्ट्री में आप आए, और जैसा मैं जानता हूं कि आपके टीम में काफी यूथ है और पूरी यूथ की टीम है, और ये यूथ का पूरा जो टीम है, ये इसको आप कैसे करके आगे बढ़ा रहे हो, और ये कैसे हो पा रहा है? मैं चाहूंगा कि सारे जो भी लोग इस सेशन को लाइव देख रहे हैं उनको आप बताएं। सर, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यूथ के पास सबसे बड़ा जो हथियार होता है, सबसे बड़ा इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं, वो है उसका जोश, उसकी एनर्जी, उसके जोश, उसका एक्साइटमेंट। तो ये चीज कहा जाता है ना कि सफलता के लिए टैलेंट का होना जरूरी नहीं है, सफलता के लिए जोश का होना जरूरी है। अगर आपके अंदर में एनर्जी है, आपके अंदर में पैशन है, आप पैशनेट तरीके से बिजनेस को करना चाहते हो, आपके पास एक ड्रीम है, तो आप उस जोश से सारी टैलेंट को पालोगे, और टैलेंट आपके लिए बाद में वो बाद की बात होती है, धीरे धीरे सारा चीज आने लगता है अगर आपके पास एनर्जी, आपके पास जोश है। तो हम लोग पूरी टीम सर बहुत ही जोशीले हैं, और बहुत ही हम लोग जो काम ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं, और जो भी ऑफर्स आते हैं, जो भी चीजें होती हैं, पूरे सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, और जो काम हम लोग पूरे टीम को हम लोग बताते हैं, पूरी टीम मिलके और सारी संगठित होके हम पूरे काम को और अंजाम देते हैं और सफलता पाते हैं सर। तो यही चीज है, हम अपनी पूरी टीम को ये एजुकेट करते हैं कि सर आपके अंदर में अगर एनर्जी है, आपके अंदर में अगर जोश है, तो हम इस बिजनेस को चार चांद लगा सकते हैं, और आने वाला वो दिन होगा। मेरा सर ड्रीम है पर्सनल, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे शेयर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मेरी पर्सनल ड्रीम है कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा, हम लोग वो करके रहेंगे, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि गर्भ में बच्चा रहेगा और माँ कहेगी कि ये बड़ा होके वेस्टिजियन बनेगा और इसके जैसा बनेगा। बहुत बढ़िया, और वो चीज हम लोग करके रहेंगे सर। 2022 वो दिन होगा सर कि बच्चा अगर पेट में होगा तो माँ जरूर कहेगी कि वेस्टीज, मैं इसको बड़ा करके डायरेक्ट सेलिंग कराऊंगी और इसको बड़ा करके वेस्टिजियन बनाऊंगी, और वो हम लोग करके रहेंगे सर। ये ड्रीम हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे ही एक चीज आपको बता रहा हूँ, एक कहानी। एक हमारी टीम में एक गाड़ी डिलीवर हुई थी अभी फिलहाल में ही, तो हमारे अपलाइन मिस्टर राजकुमार गुप्ता सर ने फोन किया और कहा कि बहुत बहुत बधाई हो, अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो हम लोग आ नहीं सकते हैं, इसलिए आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई हो, यहीं से हम आशीर्वाद देते हैं। और हमने कहा कि सर वो दिन आएगा यहाँ चंपारण में एक 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 के पीछे एक गाड़ी खड़ी करेंगे, और सिर्फ लाइन से हम पटना तक गाड़ी सजाएंगे सिर्फ मेरी टीम से। क्या बात, वो दिन हम लोग ठान लिए सर। 2021 में वो धमाका होने वाला है, हमारी टीम में पर्सनली 100 गाड़ियां होंगी, हम लोग पूरी ड्रीम लेके आगे बढ़ रहे हैं सर। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब यूथ का डंका जो फेस्टिवल में बज रहा है वो हर जगह बजने वाला है। और मैं ये कहना चाहूंगा विवेकानंद, आपकी जो टीम है, आप एक यूथ आइकन हो, मिस्टर अभिषेक आप यूथ आइकन हो, कितने लोगों के आप इंस्पिरेशन बनने वाले हो आज के बाद। आपको लोग जो आज जो नए लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा विवेकानंद ही इज 20, मतलब 22 साल का ये लड़का आज के डेट में लाखों के चेक प्राप्त कर रहा है, 24 लाख की कार है, MG हेक्टर है इनके पास,
आज ये कैसे संभव हुआ, इन बातों पर मैं विवेकानंद से बात करूंगा। उससे पहले मैं अभिषेक जी से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मिस्टर अभिषेक, आप न्यूली क्राउन डायरेक्टर आप बने हो इस लॉकडाउन में। जी सर। आपने कहा कि मैं प्रॉब्लम से फोकस नहीं करना चाहिए और सॉल्यूशन पे, तो वो सॉल्यूशन आपने निकाला और वो सॉल्यूशन को निकाल करके आप एक क्राउन डायरेक्टर बने। यस सर। तो आपके भी टीम में बहुत सारे यूथ हैं, मैं देख पा रहा हूं, और जैसा मैंने आपसे देखा है कि आप पूरा वर्कआउट करते हो, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका एजुकेशन है, उसको भी ना कहीं कहीं से यहाँ पर आपका ये काम आ रहा है। तो ये कैसे आप आपके जो यूथ है वो उस तरीके से करके कहीं ना कहीं से ये आपका ये लेवल अचीव हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपकी टीम में जो यूथ है वो कैसे कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चल रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम लोग, मैंने एक चीज सीखा है और जब से मैंने ये चीज इंप्लीमेंट किया हूं सारे लोग मेरे साथ वो काम करने लगे हैं। हम लोग टीम्स में जो भी चीज, जो भी टारगेट या जो बातें हम लोग रखते हैं, महीने का पहला दिन से पहले वो काम खुद करते हैं। 400 पीवी का टारगेट हर आदमी का है, सबसे पहला बिलिंग हमारा 400 पीवी का होता है। वो सारे ग्रुप में, अपने सारे डाउनलाइन में मैं भेजता हूँ 400 पीवी डन। उसके बाद जितने भी लोग हैं बोलते हैं कि सर ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, कोरोना बाहर कैसे निकलूं, सर पहले मैं खुद करके दिखाता हूं। जब मैं ये खुद करता हूं तब उनको समझ में आता है कि हाँ रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहा है, रिजल्ट तो आ रहा है। लोगों को मोटिवेशन, और सबसे पहला चीज मैं उन लोगों को बिजनेस बाद में पहले एजुकेट करता हूँ हर चीज के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी चीज का नॉलेज उनको आ जाएगा ना, तो उनको अंदर पावर आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। प्रोडक्ट का नॉलेज, एयर प्यूरिफायर का नॉलेज, आज संडे का दिन मैं जैसे परसों रमन झा जी का जो मीटिंग अटेंड किया, मुझे बहुत नॉलेज मिला। कल मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट निकला। आज मैंने अपने सारे यूथ को बुलाया, 15 लोगों को बुलाया, आज दोपहर में बैठाया, उनको मैंने बिल दिखाया, कल के बारे में बताया, फिर उनको पर्सनली एजुकेट किया एयर प्यूरिफायर के बारे में, और सबको बोला भैया एक एक करके आके बताओ, मैं कस्टमर हूं आप बताओ। जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागा कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट में, अभी कोल्ड मार्केट का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, कल से देखिए ये 15 लड़के अगर दो दो एयर प्यूरिफायर भी निकालते हैं, 30 एयर प्यूरिफायर, आपका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने आप पे काम करना चालू कर देंगे, हमारे अंदर वो नॉलेज आ जाएगा। होता है ना सर, जब हमारे जेब में पैसा आता है तब हम लोग दौड़ते हैं इसको खर्च करने के लिए, इसी तरह जब हमारे अंदर नॉलेज आएगा तभी हम लोग दौड़ेंगे शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोग सिर्फ फोन पे बोलते हैं, गलती कहाँ हो जाता है कि लोग सिर्फ बोलते हैं, एक्शन मोड में नहीं आते हैं। पहले खुद एक्शन मोड में आना पड़ेगा, वो चीजें करनी पड़ेगी, वो नॉलेज लेना पड़ेगा। आज हमारे डाउनलाइन में कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं कि सर वहां पे बिजनेस नहीं निकल सकता, वो आदमी बहुत नेगेटिव है या कुछ ऐसा है। मैं उनके साथ पर्सनली बैठ के जाता हूँ, उनके सामने मीटिंग लेता हूँ, उनको पॉजिटिव करता हूँ, उनको सिखाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से वो ये बात बोल ना पाए। तो हमें खुद ये बिजनेस सिंपल सा अथॉरिटी लेने का है। ये बिजनेस मेरा है ना, तो मेरे अपलाइन का है ना मेरे डाउनलाइन का, ये बिजनेस मेरा है। तो हमें हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर मेरा डाउनलाइन बात नहीं सुन रहा है, इट मींस फॉल्ट हमारा है, हमने डील नहीं किया ठीक से, बिजनेस नहीं हो रहा। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। जैसे लोग लाखों इन्वेस्ट करके अपना शोरूम खोलते हैं, आज लॉकडाउन में मैं आपको बता दूं एग्जांपल है सर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे कॉन्टेक्ट में है, आज खुद ताला खोल रहे हैं शोरूम का, खुद पानी लेके पी रहे हैं, स्टाफ नहीं है, क्योंकि खुद का बिजनेस है तो दुकान खोलना ही है, पैसा चाहिए। जिस दिन लोग वेस्टिज का बिजनेस को अपना मान लेंगे, अथॉरिटी सर मेरा बिजनेस है, हर एक आदमी बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। बिल्कुल 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 अभिषेक जी आपने सही कहा। मैं आपको कहना चाहूंगा दो चीजें इससे बात आती है कि लर्निंग प्लस एक्शन बराबर सक्सेस होता है। एक्शन बिल्कुल। और आपने जो लर्निंग का पार्ट देखा, एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग देखी, कोल्ड मार्केट की जो सीरीज केस वॉरियर चला रहा है एक बड़ा बिजनेस करने का, मैं आप लोगों को कंजुलेट करना चाहूंगा कि जुलाई मंथ में
400 पीवी से ज्यादा करने वाले, जुलाई 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 400 पीवी से ज्यादा करने वाले 300 से भी ज्यादा लोग थे जिन्होंने अपनी पर्सनल आईडी पे 400 पीवी से ज्यादा बिजनेस करे। और उसमें जो मैं देख रहा था जो जो एज साइज थी उसमें यूथ का सबसे ज्यादा योगदान था। तो यूथ के पास पावर है, उसके अंदर में जोश है, उनके पास कन्वर्सन रेट बहुत ज्यादा है, उनको वो ट्रेनिंग के बाद एक्शन पर ज्यादा वो फोकस करते हैं और यही नतीजा है कि यूथ जो है वो ज्यादा जो है कि इस सिस्टम में और भी अच्छा करते जा रहे हैं। केस वॉरियर एजुकेशन सिस्टम जो ये फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है, उन सारे न सिर्फ केस वॉरियर के लिए, सारे वेस्टिजियन के लिए ये बना है, ओपन प्लेटफॉर्म है। आप यहां से सीख करके आप अपने टीम को एजुकेट कर सकते हैं। पूरी लाइब्रेरी हमने बना दी है। अभी एयर प्यूरिफायर की बात की इन्होंने, मैं इनसे अभी एक और भी स्टोरी में आपको ये शेयर कर रहे थे, मैं आपको ये मैं चाहूंगा कि अभिषेक जी जरूर बताएं, मैं आगे मैं आपसे बात करूंगा इस पे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरा जो लाइब्रेरी हमने बनाया है, उस लाइब्रेरी में से आप क्या करिए, वहां से अपने लोगों को फॉरवर्ड करिए, एजुकेट करिए और सारी चीजें ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। वेस्टिज मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, वहां पर भी बहुत सारे एजुकेशन है, उस पर भी हम लोगों को फोकस करना है और वहां से हम अपनी पूरी टीम को एजुकेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग याद रहे, एक्शन, हम लोगों ने एक्शन करा तभी हम लोग आज यहां पर पहुंचे हैं। और सारे यूथ को मैं कहना चाहूंगा अपनी तरफ से कि आपका कैरियर प्रेस्टीज में सुरक्षित है, हम आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है। आप जब दो यहां पर जो आप यूथ आइकन को देख रहे हैं, ये दो यूथ आइकन ऐसे हैं, सेकंड जनरेशन ये है, पहले इनके फादर ने वेस्टिज ज्वाइन करा, दोनों के फादर ने पहले वेस्टिज को ज्वाइन करा। अगर विश्वास नहीं होता, मिस्टर महेश जी को मैं जानता हूं, इनका पटना में इतना बड़ा होटल है, पैसे की कमी नहीं है, अगर कहीं ना कहीं अगर उनका विश्वास अगर डोलता है, अगर चीजें अच्छी नहीं होती, तो अपने बेटे को इतने अच्छे एजुकेशन देने के बाद लंदन में इन्होंने जॉब करा, वहां से मोटिवेट करा और चीजों को बताया और वहां से वेस्टिज के बारे में बताया। और आज आपने अभिषेक जी को सुना कि मिस्टर अभिषेक ने आपको क्या बातें बताई, कैसे करके वो वेस्टिज में आए और वेस्टिज का जो सोच, जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल इनका चेंज हो चुका है। तो मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि आप एज ए कैरियर आप अपने इस वेस्टिज को आप ले, आप अपने लोगों को एज ए कैरियर आप दे, अपने पूरे जितने भी जो फैमिलीज में जो 20-22 साल से ऊपर वाले लोग हैं, एक बात का ध्यान रखिए, यूथ का मतलब होता है 18 साल से ऊपर, 18 साल से नीचे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, आप अपने फादर के साथ हैं, 18 साल से नीचे यूथ ज्वाइन नहीं कर सकता वेस्टिज में। तो जोश और जज्बा को बरकरार रखिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, एक ऐसी इंडस्ट्री है, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, 21 साल का मैं था तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करा था, मैं आपको कहना चाहूंगा जोश बहुत बहुत जरूरी है किसी भी रिवॉल्यूशन को लाने के लिए। और यूथ में जो जोश है ना वो और किसी में नहीं है। 20-22 साल का था, मुझे याद है जब हमने नेटवर्क स्टार्ट किया था तो जोश का मतलब क्या होता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिनको पहली बार में, जैसा विवेकानंद ने बोला कि मुझे पहली बार में मिला वेस्टिज, आप लकी हो विवेकानंद कि आपको पहली बार में वेस्टिज जैसी इतनी बड़ी कंपनी मिल गई जिसका सोच थॉट प्रोसेस अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, पे आउट समय पर आते हैं, प्रोडक्ट लोगों को सही समय पर मिलता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 5 साल जिंदगी के 5 साल यूथ, आप 5 साल के अंदर में वेस्टिज से रिटायर हो जाओगे। यूथ के अंदर में वो जोश है और जुनून है 5 साल के अंदर में। हमारे एमपी साहब कहते हैं 35 साल बना 5 साल, वो बिल्कुल इसी तरह से नहीं कहा गया है, उसके पीछे हकीकत है। अब वो वक्त आ गया है यूथ को करके दिखाना है, 5 साल के अंदर में आप रिटायर हो जाओ, पूरी जो आप सोचते हैं वो सारी लग्जरीज
आप पा सकते हो। मैं दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं, अगले 5 साल के बाद आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो और अभी आप कैसा फील कर रहे हो, ये मैं जानना चाहता हूं। विवेकानंद, सबसे पहले मैं विवेकानंद से जानना चाहूंगा। सर अगले 5 साल में मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मेरी चेक साइज जो होगी वो 50 लाख रुपए की होगी 2025 में, और मेरे पास खुद की मेरी पर्सनल, मेरा ड्रीम है सर कि मेरी फैमिली में जितने पर्सन हैं सबके पास लग्जरी कार हो। मम्मी बोले, मम्मी को ये नहीं बोलना पड़े कि बेटा तेरी गाड़ी कहाँ है, तू मीटिंग में है तो मुझे जाना है, वो अपनी गाड़ी निकाले और कहीं भी जा सकती है। बहन अपनी गाड़ी निकाले, भाई अपनी गाड़ी निकाले, फादर अपनी गाड़ी निकाले, मैं अपनी गाड़ी निकालूं, हर कोई के पास पर्सनली लग्जरी कार होनी चाहिए, मेरा वो ड्रीम है। और मेरा एक और ड्रीम है सर कि अब 2025 तक मैं अपनी टीम में लगभग 50 लग्जरी कार दिलाना चाहता हूं, उसके ऊपर मैं, हम सब पूरी टीम मिलके काम कर रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी एमजी हेक्टर आपके पास है, पहली गाड़ी, यस पहली गाड़ी 20 लाख से ऊपर की आपने खरीदी, इसको चला के कैसा लग रहा है विवेक, कैसा फील कर रहे हो? सर ऐसा था कि जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो साइकिल से काम स्टार्ट किया था, और मैं बहुत दूर दूर जाता था, ट्रेवल करता था, अगर कोई चाय पत्ती मांग देता था तो मैं एक चीज जानता था कि सही सर्विस अगर देंगे तो वो आपका कभी भी जो आपका जो कस्टमर है वो कभी टूटेगा नहीं। तो कोई भी अगर ऐसा, मैं फोन करता था उनसे, पूछता था कि आपका प्रोडक्ट अभी खत्म हुआ या नहीं हुआ, तो लोग ऑर्डर डालते थे, तो ज्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं डालते थे क्योंकि आज से 3 साल पहले वेस्टीज में बहुत कम प्रोडक्ट थे, तो उतना ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं था, तो लोग कुछ कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करते थे, जैसे चाय पत्ती हमको अभी कम पड़ा है तुम ला दो। तो मैं कैरियर के अंदर में, कैरियर में उसको दबा के लेके जाता था और 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर में सिर्फ चाय पत्ती देने जाता था, मुझे वो दिन याद है। और मैं ये सोचता था कि आज मैं आपके पास साइकिल से आया हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपके पास अपनी खुद की गाड़ी से लेके आऊंगा, वो ड्रीम था। वही ड्रीम आज यहाँ तक पहुंचाने में मदद किया सर। और जब मैं आपकी लग्जरी कार देखता था तो मेरे दिल में, मतलब जब मैं पटना आता था, मुझे वो दिन याद है, सेमिनार के अंदर में आता था, मीटिंग में आता था, तो पटना आने के बाद हम लोग ट्रेन आते थे या बाई बस अपनी पूरी टीम को भर के लेके आते थे, और जब हम लोग स्टेशन पे उतरते थे वहां से जाते थे और कोई भी लग्जरी कार पास होती थी तो कुछ देर तक सांस जो है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता था, दिल में वो गुदगुदी सी होती थी, काश ये चीज जरूर होगी और हम लोग करके दिखाएंगे। और वो ड्रीम मतलब सेमी लग्जरी कार हमने परचेज करा, और सर बहुत सारी गाड़ी मैं देख रहा था कि कौन सी गाड़ी मेरे लिए सब अच्छी हो सकती है। मेरी हिम्मत देखिए सर, इस वेस्टीज ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, और मैं दिल्ली में गया था मर्सिडीज के शोरूम में, और वहां जाके मर्सिडीज के शोरूम में मैं गया तो वहां का जो वहां का एम्प्लॉय था वो सब हंस रहे थे मेरे ऊपर, ये कौन सा इतना छोटा लड़का आ गया मर्सिडीज में, ये क्या करेगा। मैं लोगों को बुलाता था और लोगों को बात करना स्टार्ट किया कि ये चीज बताओ कि एक कार कैसे ली जा सकती है। लोग बोले कि किसको लेनी है, हमने बोला कि मुझे लेनी है, बोला कि कोई गार्जियन आपके साथ नहीं आया, बोले कि सर हम ही लोग बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस के थ्रू लग्जरी कार आती है। लोग बोलते हैं अरे कौन सा बिजनेस, बहुत सारे लोग बोलते हैं। हमने अपनी लग्जरी कार बुक निकाली, वहां पे लोगों को दिखाया, उसको बिलीव हुआ और मेरे तरफ वो तो कुछ देर तक वो देखता ही रह गया, ये लड़का का हिम्मत देखिए मर्सिडीज लेने आ गया। और मैंने उसको डन किया, आने के बाद सारा प्रोसेस करना स्टार्ट किया। बाद में मुझे पता चला कि मर्सिडीज लेने के लिए एक आपकी जो पर मंथ की जो आप ईएमआई कर रहे हैं वो ऊपर की हो, 10 से ऊपर की होनी चाहिए, बट वो था नहीं। तो मैंने सोचा कि लूंगा तो लग्जरी कार जैसा ही लूंगा, तब तक कहा जाता है ना कि जब आप गॉड से कुछ मांगते हैं तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ दे देता है। और उसी समय में एमजी हेक्टर ने लॉन्च किया था इंडिया में, और मैंने सर से पूछा, कुलविजय सर से पूछा कि सर कैसी गाड़ी है, सर ने कहा बेटा ले लो, और मैंने उसी दिन, मैं कुछ भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं वहां शोरूम में गया, गाड़ी पे बैठने के बाद मुझे फील अंदर से आया ये मेरी गाड़ी है और इसको मैं लेकर ही दम लूंगा। और अपने जन्मदिन के दिन मैं कमिटमेंट किया था कि 23 अक्टूबर 2019 को मैं गाड़ी लूंगा, और 21 अक्टूबर 2019 को मैंने गाड़ी ले लिया। बिल्कुल 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 सही बात है, तुमने सही बात बोली, यूथ कुछ भी कर सकता है,
ये पहली गाड़ी मुझे याद है कि मैं जब वेस्टीज में आया था तो मैं 8 लाख की i20 लिया था पहली गाड़ी, और इसने सोचने की हिम्मत की और पहली गाड़ी 20 लाख से ऊपर हुई। और आने वाले 5 सालों के अंदर में आपने सुना, ये 5 सालों के अंदर में अपने आप को कहां दिख रहा है? सिर्फ अपनी लग्जरी गाड़ी की बात नहीं कर रहा, अपने फादर और मदर को की भी लग्जरी कार की बात करता है। ये बिल्कुल होगा, एक रिवॉल्यूशन है और ये इतिहास बनेगा। और कैश वॉरियर भी वेस्टीज के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहा है। पूरे मेरा ये कहना है कि पूरे यूथ में वो पावर है। आप वेस्टीज में है, आप हर वेस्टीजियन का चेक 10 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए। सारा खेल दिमाग का है, आप जैसा सोचोगे, दिमाग को जैसा कमांड दोगे वो काम होगा। लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे। साइकिल से जा रहा था, मर्सिडीज शोरूम में गए, क्या ये लड़का मर्सिडीज लेगा क्या लेगा? हंसेंगे, हंसने दो। जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा, मुझ पे भी किया गया। हम मैं पूछना चाहूंगा मिस्टर अभिषेक आपसे, यस सर, आपका जो ड्रीम प्लान क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा आने वाले समय में आपका ड्रीम प्लान क्या है, आप अपने आप को अपनी टीम को कहां ले जाना चाहते हो? सर ड्रीम की बात करें तो ऑब्वियस है, सबसे पहला ड्रीम जैसे विवेक जी ने बताया, हमारे पेरेंट्स का सारा ड्रीम फुलफिल करना। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हम लोग दो भाई हैं, हमारे पेरेंट्स, मेरे पिताजी बहुत हार्ड वर्किंग आदमी हैं। लाइफ में अगर सिर्फ एक आदमी अपना परिवार का घर चलाते तो अपना सारा ड्रीम पूरा कर सकते थे, लेकिन हम लोगों के लिए अपना सारा ड्रीम सेक्रीफाइस करके जो हम लोगों को चाहिए, जब गाड़ी चाहिए ले लो, महंगी घड़ी चाहिए ले लो, जो ले लो, अपना सारा ड्रीम सेक्रीफाइस करके सारा चीज, पटना में उस जगह पे घर चाहिए ले लो, बट हर चीज सेक्रीफाइस किया। हम लोगों ने देखते आए बचपन से कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किए। आज मात्र एक वेस्टीज एक ऐसा उम्मीद मुझे मिलता है जहां पे मेहनत करने पे उम्मीद की असर 100% गारंटी है कि जो लग्जरियस लाइफ हमारे पेरेंट्स खोजते थे, जिस मेहनत करते थे, लेकिन हम लोग की पूरी करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए वो सेक्रीफाइस किए, हम लोग आने वाले टाइम में 5 साल 2 साल, हमको लगता है कि मेरे लिए 1 साल, जैसा मेरा टीम ग्रो कर रहा है और हो रहा है, 1 साल के अंदर मैं उनको वो सारा लग्जरी लाइफ, सबसे पहले तो उनके ये सारा ड्रीम फुलफिल करूंगा। और सेकेंड चीज है सर, मेरा एक ड्रीम है होटल इंडस्ट्री का, मुझे बहुत बड़ा बहुत प्यार है। मुझे याद है कुलवीर जी सर आपसे बड़ी बात हो रही थी, एक बार आप भी बोल रहे थे, मैं जब भी बाहर जाता हूँ महंगे से महंगे होटल में रुकता हूँ, देखता हूँ, वो अच्छा लगता है। सर सेम मेरा भी वही चीज है, मुझे होटल इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्ट करता है, महंगा, अच्छा, लग्जरियस लाइफ, सब कुछ। अब मेरा एक ही ड्रीम है कि बिहार का सबसे महंगा, सबसे लग्जरियस होटल मेरा बने पटना में, और उसके ऊपर नाम कुछ भी हो, वेस्टिज का बड़ा सा बोर्ड लिखे, गिफ्टेड फ्रॉम वेस्टिज। ये मेरा एक ड्रीम है। आज भी वेस्टिज से सर, आज बिलीव कीजिए, होटल कहाँ से बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा, वेस्टिज से आएगा। हार्ड वर्क कहाँ करना है, वेस्टिज में करना है। कौन ड्रीम पूरा करेगा, वेस्टिज करेगा। सर आज लोगों से पूछिए कि सर आप किसी भी लोगों से पूछिए कि आपका ड्रीम क्या है, वो पूरा कैसे होगा, किसी को नहीं मालूम, कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। आज क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, कल क्या करेंगे नहीं मालूम, अब तक क्या करते आए थे नहीं मालूम, लेकिन जब से वेस्टिज स्टार्ट किया है सर, कुछ भी ब्लैंक नहीं है। सुबह उठते क्या करना है पता है, रात को सोते क्या करना है पता है, दिन भर क्या करना है सब पता है, पूरा प्लान तैयार है, एक्शन मोड चालू है, और 1 साल के अंदर पूरा ड्रीम फुलफिल कर लेना है। सबसे पहले फादर के लिए लग्जरी कार खरीदना है, बहुत हो गया, हम लोग के लिए जितना करना था उन्होंने कर दिया, अब हमारा टाइम है। सबसे महंगी BMW कार पटना में आएगी तो हमारे फादर के लिए आएगी, वो 1 साल के अंदर आएगा, वो वेस्टेज के इनकम से आएगा। तो आने वाले 5 साल में जो होटल का सपना मैंने देखा है वो नीव तो मैं वेस्टेज के इनकम से रखूंगा ही रखूंगा, ये 100% यहाँ पे कमिटमेंट है मेरा। और लोग देखेंगे पटना में सबसे महंगा होटल वेस्टेज का बोर्ड लगा हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक। और सर एक चीज, और सर एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, अभी सर ने बोला बहुत अच्छा बोला, सर विवेक जी मर्सिडीज के शोरूम में गए, वहां पर विश्वास नहीं किया। सर आपके तो बाहर वाले विश्वास नहीं किए। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, हम लोग दिन, मैं और मेरे फादर दिन में 4 बार ये बात जरूर बोलते हैं, कभी घर पे फैमिली के बीच, कभी फ्रेंड्स के बीच, कभी रिलेटिव के बीच, कि ऑडी लेना है, मर्सिडीज लेना है, ये ना
बोलते हैं पागल हो गया है, बेवकूफ ये बोलता है, मेरी वाइफ तक विश्वास नहीं करती है कि ये गाड़ी खरीदेगा। टू दी वेरी फ्रैंक, लाइबिलिटीज है, खर्चा है। जिस दिन मेरा वेस्टीज का पहला चेक आया था 300 रुपए का, तब भी बहुत चिल्लाई थी, झगड़ा हुआ था। आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं वेस्टीज में, पैसा नहीं आता, नहीं आता, वो नहीं आता। लेकिन आज, हेलो, लेकिन आज बिल्कुल मिस्टर विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी जो टीम है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसमें हैं, मैं अनमोल को जानता हूं, उसके साथ साथ बहुत सारे, मैं जब चंपारण गया था और जब मैं वहां मीटिंग करा, मीटिंग के बाद जो मैंने देखा, मीटिंग के बाद जब हमने देखा कि सारे यूथ, मैं देखा कि सब 18, 19, 20, 21, 22 वाले लोग तुम्हारी टीम के आए, सेल्फी लेने के लिए आ गए। मतलब हैट्स ऑफ की हमने देखा, मैंने सुना था, लेकिन जब हमने देखा कि पूरी टीम तुम्हारी यूथ है, और जो जोश है, जो जज्बा है, और ये बिल्कुल मैं ऐसा फील करता हूं, और कि जब लोग, जैसा तुमने मर्सिडीज बेंज की बात कही, लोग ऐसा फील करते हैं कि जब देखते हैं कि इसकी उम्र कम है, ये मुझे क्या बताएगा और मुझे क्या ये सिखाएगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि उम्र कोई मायने रखता, अगर आपका एजुकेशन अच्छा है, आप अगर अच्छे तरीके से एजुकेट होकर के ट्रेनिंग आपने लिया है, अगर सही से आप बात करेंगे तो आपकी भी बात लोग सुनेंगे, और उसका लाइव एग्जाम्पल हमारे दो यहाँ पर यूथ आइकन आपको नजर आए जो इन चीजों को उन्होंने करा है। और विवेकानंद, यस सर, आप उन लोगों को और क्या कहना चाहोगे जो हस्तीज में आते हैं, हस्तीज में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन एज ए यूथ आइकन, आप क्या करना चाहते हो कि हस्तीज की सही शुरुआत, जब वो हस्तीज में आए तो आपकी नजर में क्या होनी चाहिए, उस एक सही शुरुआत कैसे की जाए हस्तीज में, वो मैं जानना चाहूंगा तुमसे। यस सर, सबसे पहले तो सर, इस बिजनेस में आने के लिए आपको आ जाने के बाद जब आप कदम रख चुके हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज बनाना पड़ेगा कि आप पहले महीने क्या करना चाहते हैं। आपका गोल होना चाहिए कि पहले महीने आप कितना का चेक लेना चाहते हैं, सेकंड मंथ आपका कितना का चेक होगा, थर्ड मंथ आपका कितना का चेक होगा, यानी कि आप पहले गोल बनाइए। जब तक आप गोल नहीं बनाइएगा, आपकी एक्टिविटी, आपका एक्शन नहीं दिखेगा। तो पहले मैं किसी को भी साइन अप कराता हूँ सर, तो उसको एक चीज बताता हूँ कि आप हर प्रोडक्ट के बारे में, आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप डेली नॉलेज लो, और मैं लोगों को बताऊंगा या हमारी टीम के जो भी लोग हैं, जो भी उनके अपलाइन में आते हैं, वो उनका हेल्प करेंगे। आपको करना एक काम है, आपको एजुकेशन लेना आपके प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में एंड प्लान के बारे में। ये तीन चीज आप रात में हर एक एक पेज पढ़िए, आप नॉलेज लीजिए, और हम लोग 10 मीटिंग करते हैं उनके लिए। 10 मीटिंग के बाद उनको बोलते हैं कि अब हम साथ चलेंगे आपके, और आपको बोलना पड़ेगा, और हम आपके पीछे खड़े हैं, जहां आप गिरेंगे वहां हम संभालेंगे। क्योंकि मैं एक कहानी जानता हूं कि जब चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, जब छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं, उसका पंख मजबूत नहीं होता है, तो वो क्या करती है, अपने पंजों में उसको दबाती है और आसमान की उस बुलंदियों तक लेके जाती है, और वहां से उसको छोड़ देती है। जब बच्चा गिरता हुआ रहता है, तो वो बचने के प्रयास में वो अपने पंख को फड़फड़ाता है और उसके पंख मजबूत होते हैं, और जब गिरने वाला होता है तो फिर से वो पंछी आती है और उसको फिर से लेके उड़ान भर लेती है। यानी कि वो उसको सिखाती है कि तू उड़, गिरेगा मैं संभालूंगा। तो अपलाइन का यूज आप सही तरीके से करिए। अपलाइन का यूज ऐसा मत करिए कि आप एक दिन, वो तो आपको आगे बढ़ा देगा, बट आप बहुत ही ऊपर नहीं जा पाइएगा, आप खुद से उड़ नहीं पाइएगा। इसलिए खुद से उड़ना है तो आपको धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा, और आपका अपलाइन आपको हेल्प करता है, आपको मदद करता है। तो सबसे पहला चीज आपको एजुकेशन लेना है, नॉलेज लेना है, और साथ साथ एक्शन को उसको आपको दोगुने तीनगुने रफ्तार से लेके चलना है। जब आपके पास पे आउट आता है, जो आप ड्रीम लिखते हो, जो आप गोल बनाते हो, वो अगर आप अचीव करते हो, तो आपके अंदर में और एक्साइटमेंट आता है और कहते हो कि मेरा अपलाइन आए या ना आए, मैं चलता हूं आगे और मैं काम करूंगा। तो हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं सर, पूरी टीम को हम लोग इसके ऊपर हम लोग काम कराते हैं।
एक चीज, छोटी सी चीज मैं आपको सर बताना चाहूंगा और sure. सभी को बताना चाहूंगा कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप अपना माइंडसेट एक काम कर लीजिए, माइंडसेट बना लीजिए कि दुनिया आपको मजाक उड़ाएगी और आपको स्ट्रगल थोड़ी सी आएंगे, आपको स्ट्रगल से घबराना नहीं है क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करते चले हो, आप लाखों की इनकम लेने चले हो, करोड़ों का चेक लेने चले हो, आपके टीम में लाखों लोगों को आपकी जिंदगी बदलने चले हो, तो ये बहुत बड़ा काम है और आपको मन में ये बनाना पड़ेगा कि आप एक बहुत बड़ा काम करने चले हैं तो आपके पास स्ट्रगल भी उसी तरीके से होंगे। तो स्ट्रगल के लिए मैं बताना चाहूंगा सर कि जब मैं यहाँ से, मेरे पास साइकिल थी और मैं लोगों को, मेरी टीम धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगी अलग अलग यहाँ अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों में, तो मैं यहाँ से जब जाता था 50 किलोमीटर दूर, तो एक चीज की सुविधा थी सर, पॉकेट में पैसा नहीं होता था, मैं दिल से बता रहा हूँ, पापा जॉब करते थे बट 4-4 महीने 5-5 महीने उनके पे आउट नहीं आते थे, वो सरकारी जॉब में है और हम लोग वो दिन देखे हुए हैं कि कैसे हम लोग दूध और चिवड़ा खाका के रहे हैं और सब्जी तक नसीब नहीं हुआ, तो दिल में वो आवाज आता था कि एक दिन विवेक तुम्हें वो काम करना है कि तुम लाखों लोग के पेट को पाल सकते हो, और वो ड्रीम था। मैं जाता था वहां पे सुबह के, दो ट्रेनें होती थी वहां सर, एक सुबह की एक शाम की, बीच दोपहर में बीच में कोई भी ट्रेन नहीं होती थी, तो मैं उस तरीके से प्लान आउट करता था कि सुबह मैं निकलूंगा और कितनी प्लान करूंगा और शाम तक मैं ट्रेन पकड़ूंगा और घर पे आऊंगा। तो सुबह 4 बजे मैं निकल जाता था विदाउट नाश्ता, विदाउट खाना खाए और वहां जाता था, दिन भर प्लान करता था। नया आदमी क्या जानता है कि सर आए हुए हैं तो ये 10 बजे तक पहुंच रहे हैं क्योंकि ट्रेन लेट होती है हमारे यहाँ, तो 10 बजे तक, 11 बजे तक हम लोग जाते थे, तो लोग को लगता था कि ये नाश्ता या खाना खा के आए होंगे, बट हम लोग कुछ नहीं खाया करते थे, कुछ भी खाते नहीं थे और प्लान दिन भर करते थे। दिन भर करने के बाद आते थे जब स्टेशन, तो मुझे वो दिन याद है कि मैं ऑटो का पैसा नहीं होता था कि मैं ऑटो से वहां तक जा पाऊं, मतलब 3 से 4 किलोमीटर दूर पे स्टेशन हुआ करता था, मैं पैदल आता था। पैदल आने के बाद 2 टाइम सर ऐसा आया है कि हमारे पास टाइम निकल चुका था उस ट्रेन की और मैं अगली ट्रेन की इंतजार करते हुए 11 बजे रात तक इंतजार करता था। पता चलता था कि वो 11 बजे रात वाली भी ट्रेन वो मिस हो गई है, वो रद्द कर दिया गया है और अगली ट्रेन जो है वो लगभग 1 बजे है। और उस टाइम हम लोग, हम और हमारे साथ जो स्टार्ट किए अनमोल जी, हम 2 लोग उस काम को किए हुए सर कि हमारे पॉकेट में हम लोग बहुत सारा ढूंढने के बाद हमारे पास मात्र 5 रुपए, मुझे याद है 5 रुपए निकल के आए थे और 5 रुपए का हम लोग भूजा खाए थे, और यहाँ जो होता है ना पकौड़ी खाने के लिए सर 2 रुपया नहीं था कि हम लोग पकौड़ी खा पाए, और लेकिन एक ड्रीम था सर, वो जज्बा दिल से निकल के आई कि एक दिन सर ऐसा आएगा कि जिस दिन मन करेगा उस दिन 5 स्टार और 10 स्टार होटल में मैं खाऊंगा, और वो हम लोग दिन ला चुके हैं सर, जिसको जब मन करता है हम लोग पार्टी करते हैं सर, तो वो खुशियां बस चीज ही दे सकती है आपको, प्रॉब्लम से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका बड़ा काम करना है और आपको जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाना है। बिल्कुल yes, बिल्कुल 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 सही कहा विवेक। अब मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा। जैसा आपने कहा लर्निंग प्लस एक्शन बराबर सक्सेस, तो केश वारियर ने जो लर्निंग का जो एक नई शुरुआत की है और उस पर आप लोगों ने एक्शन करा है, और मैं सारे वेस्टिजियन को कहना चाहूंगा कि आप जितना भी सीखते हो, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप एजुकेशन ले रहे हो, आप उसको एक्शन में बदलो। बहुत सारी चीजें इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में अपग्रेड हो गई है, आप उसको एजुकेट हो, पूरी टीम को एजुकेट कराओ। आप ऑनलाइन शॉपिंग वेस्टीज से कैसे की जाती है उसके बारे में आप बताओ, वेस्टील से कैसे प्रोडक्ट खरीदा जाता है उसके बारे में आप बताओ, हर चीजों से उनको आप अवेयर करो, और उन चीजों को करके अगर ये चीजें आप करते रहोगे, अपनी पूरी टीम में आप कराते रहोगे और लोगों को मीटिंग सेमिनार्स में, डिजिटल सेमिनार्स में आप पार्टिसिपेट कराते रहोगे, तो रिजल्ट आएगा आएगा। और जैसा केस वारियर ने एक मुहिम छेड़ा है कि कोल्ड मार्केट जो प्रोडक्ट, क्योंकि एक बिजनेस हम कर रहे हैं अपने घर का सामान ले रहे हैं, एक बड़ा बिजनेस जो हम लोगों ने अपना एक पूरा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया है कि एक बड़ा बिजनेस करने के लिए वेस्टीज के
ज्यादा वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट पे हम लोग को फोकस करना है तो हम एक बड़े इनकम की तरफ जाएंगे, और उसमें यूथ ने बहुत ही कंधे से कंधा मिलाकर के काम करा है। और उसी में से मैं अभिषेक जी से पूछना चाहूंगा, कल ही हमारे साथ बात हो रही थी इनकी, और अभी इन्होंने बताया भी कि एयर प्यूरीफायर की ट्रेनिंग जो हमारे बिजनेस के लिए 668 पीवी का ये बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करता है। अगर मैं सारे यूथ से कहना चाहूंगा कि जरा आप समझो, आपके अंदर में एनर्जी है, आपके अंदर में जोश है, आपके अंदर में जज्बा है, आप पूरी ट्रेनिंग लेकर के जब लोगों को बताते हो तो 100 लोगों की टीम होती है। जरा सोचिए, एक एक एयर प्यूरीफायर अगर आपके टीम में निकल गया तो आप जरा सोचो कि क्या हो सकता है। बड़ा बिजनेस करने के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक एयर प्यूरीफायर हर महीने शेयर करना शुरू करो। शेयर करना, सेल करना, सेल और शेयर, सेल्स मेड स्पिरिट हर के अंदर होनी चाहिए। एक ट्रू स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, अभिषेक यूथ आइकन यहां पर है, इनके साथ एक ऐसा ही वाकया हुआ है। आपको हमने बताया ये होटल इंडस्ट्री से है, लाखों के इनकम पहले से आ रही है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब इन्होंने ट्रेनिंग ली, इन्होंने अपने मीटर को जीरो किया, वेस्टीज में वेस्टीज होटल बनाना चाहते हैं। वहां पर वो अपने उस सपनों को अपने दिमाग में डाला और उसके लिए निकल करे, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करा, सॉल्यूशन पर आए। और वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर जो रमन झा जी की जो ट्रेनिंग हमने कराई थी, उसका क्या असर रहा, शायद वो स्टोरी मैं आपसे जानना चाहूंगा। सारे लोग जानना चाहेंगे, सारे यूथ, सारे जितने भी प्रेस्टीजियन है, सारे लोग जानना चाहेंगे। अभिषेक जी, जो आपने बताया बाकरगंज वाला, मैं कल स्टोरी बाकरगंज बताता हूँ सर। कल मेरे लाइफ का, लाइफ में पहली बार कल मैंने वो फील किया जो शायद बहुत 90% लोग फील करते हैं, लेकिन हम लोग कभी फील नहीं कर पाते, कि सेल्समैन एक्चुअली में जब हमारे यहाँ कोई सेल्स पर्सन आता है तो हम लोग उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। कल का मैं आपको बता दूं एग्जांपल, एयर प्यूरीफायर फॉर एग्जांपल, एयर प्यूरीफायर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम लोग जब रमन जी का ट्रेनिंग हुआ, मैं स्पेशली बैठ के पूरा ट्रेनिंग देखा, उसका पूरा नोट्स बनाया, पूरा याद किया, एक एक पॉइंट, ऑनलाइन गया हर एक वेबसाइट पे, क्योंकि आप जब किसी कस्टमर के पास जाइएगा वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह वो चूज करेगा, व्यूज देखेगा। मैं पहले से अपनी पूरी तैयारी कर लिया था कि कस्टमर जो पूछता है, जो भी जानता है, उसकी पूरी जवाब, हर तरह का जवाब आपके पास होना चाहिए। मैंने डाउनलाइन को फोन किया कि सर एक जगह आपको एयर प्यूरीफायर का डेमो देना है। मैंने कहा कंपनी का आदमी आएगा, आदम देगा। तो फिर उसके बाद उसने मुझे फोन किया कि सर वह जाना है, सर कंपनी का आदमी तो मैं ही हूं। जब मैं वहां पे अपनी स्कूटी पे, मैंने क्या किया, एयर अपने घर में जो एयर प्यूरीफायर है उसको निकाला, झोला में डाला, कार्टून में तो आएगा नहीं स्कूटी के ऊपर, झोला में डाला, सामने रखा और उसके दुकान पे पहुंच गया। सर आप आ गए? हम बोले हाँ सर मैं ही हूँ, कंपनी का आदमी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ, मैं ही सर्विस, सब कुछ मैं ही हूँ। वो एकदम सरप्राइज हो गया, सर क्या बात करते हैं सर। मैं कहा बिल्कुल, अभी आपके लिए मैं सेल्स पर्सन हूँ, चलिए। तो उसके दुकान पे कस्टमर आया हुआ था, इंटीरियर काम करते हैं, उनके यहाँ कस्टमर आया हुआ था। तो बोले सर मैं तो जा नहीं पाऊंगा, 6 बजे वो ज्वेलरी शॉप बंद हो जाएगा, वो 4 बज रहा था, आप वहां पे चले जाइए। मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपका रेफरेंस लेके चला जाता हूँ। मैं जब वहां पे पहुंचा तो ऑब्वियस से कस्टमर बैठे हुए थे, गर्मी का टाइम था, बाहर मुझे बैठा दिया गया 45 मिनट। सर आप बैठिए, क्योंकि मैं सेल्स शार्प का सेल्स पर्सन था, कोई होटल इंडस्ट्री का मालिक नहीं गया हुआ था। मैं बिना ईगो दिखाए पेशेंसली वहां पे बैठा रहा, चुपचाप वहां बैठा रहा। जब सारा कस्टमर चला गया, उस मालिक का नजर मेरे ऊपर पड़ा, उसने मुझे बुलाया कि सर मैं उनके रेफरेंस से आया हूँ, शार्प कंपनी का डेमो दिखाना एयर प्यूरीफायर का। मैंने मशीन लगाई पूरा अच्छा से, जो भी मुझे आता था पोलाइटली अच्छे से मैंने उनको सारा कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया, समझाया। हाँ जैसा होता है, उनका बेटा बैठा हुआ था, उसने ऑनलाइन खोला, ऑनलाइन खोला, क्रॉस क्वेश्चन किया, उसका जवाब सारा मेरे पास था, वो सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड होने के बाद मैंने उनको बोला कि सर ये आपका इंडोर है, आप इसको घर पे भी लगाइए, आपने को आपके पास पैसा है, सब कुछ है, मैक्सिमम टाइम आप ऑफिस में बिताते हैं, गाड़ी में बिताते हैं, घर में बिताते हैं, यहाँ पे तो आप बच रहे हैं। उनको मैंने
इतना नॉलेज दिया कि घर में कितना इंडोर में 90% जितना भी मुझे नॉलेज था सब मैंने उनके साथ शेयर किया। उनको समझ में आ गया कि जो चीज नहीं दिखता है डेंजर वहीं से है। उन्होंने लगे हाथ 7 एयर प्यूरिफायर का ऑर्डर मुझे दे दिया। अभी 2 मेरे होटल में आ चुका है, कल जाके मैंने उनको इंस्टॉल करना है। कार एयर प्यूरिफायर का भी ऑर्डर आ चुका है। मैं वहां पे अगर ईगो दिखाता कि मेरा डाउनलाइन बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अकेले जाऊं, तो नहीं हो सकता है। आपको अथॉरिटी लेना पड़ेगा। मैं वहां पे सेल्स पर्सन बन के गया, एयर प्यूरिफायर के लिए 45 मिनट बाहर बैठा। मुझे वो लाइफ में पहली बार ये फील हुआ कि एक सेल्स पर्सन को कैसा लगता है जब हम लोग उसके साथ बिलीव करते हैं। तो एक चीज लाइफ में आया, काम छोटा हो या बड़ा हो, रेस्पेक्ट से कीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए। अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है तो सबसे पहले खुद अथॉरिटी लीजिए। आज मेरे डाउनलाइन में कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है वो कभी ये कंप्लेंट नहीं करता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिलता। मैं उनको बोलता हूं आपको प्रोडक्ट जब जो जहां जब चाहिए आपको मिलेगा, आप सिर्फ अपने एजुकेशन और बिजनेस से फोकस कीजिए। मेरी गाड़ी है, सारा प्रोडक्ट मैं लोड करता हूं। और सर जानते हैं मेरे कस्टमर हैं औरंगाबाद, ये अशोक जी उनका ढाबा है बहुत दूर, हर महीने 60,000 का तेल वो हमसे लेते हैं। मैं खुद पर्सनली पहुंचाने जाता हूं हर महीने उनके यहाँ। तो सर ये बिजनेस जो है हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और एजुकेशन के साथ आप कहीं जाइए, अपनी पूरी तैयारी करके जाइए, क्योंकि मौका एक ही मिलेगा। एक फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। और हमें ये पता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बेस्ट है। आप ये कॉन्फिडेंस बिजनेस 100% होगा। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। और क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, मैं आपसे कहना चाहूंगा ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप एजुकेट होते हैं। और सर मैं आपको कहूंगा कि यही साबुन को यूज करने से, यही राइस ब्रान को इस्तेमाल करने से, यही एयर प्यूरिफायर को इस्तेमाल करने से अगर घर में जगुआर आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, तो करने में क्या जाता है। मैं जगुआर चलाता हूं, आप हमारे डिक्की में आप देखोगे हमेशा उसमें प्रोडक्ट भरा होता है। सर जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रगा। और क्या कहेंगे लोग, ये जो है ना इन चीजों को से आपको ऊपर उठना है। अब कहने वाली बात नहीं है, बिल्कुल। अगर अभिषेक जी ये इनके दिमाग में ये बातें आती, हमेशा ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आप किस इंडस्ट्री में क्या हो कोई मैटर नहीं करता। आप इंडस्ट्री में आए हो, अपने मीटर को जीरो आप कर दो, यहाँ के सिस्टम को फॉलो करो। अगर इनके में आता अंदर से अहंकार आता, और यूथ में तो ऐसे भी आग होती है, बहुत जल्दी एग्रेशन आ जाता है, अरे हटाओ कौन क्या कहेगा। उन्होंने पेशेंसली वहां पे क्या भी सीखी, मैं सही कर रहा हूँ, पेशेंसली इन्होंने इन चीजों को देखा समझा बताया और 7 एयर प्यूरिफायर इन्होंने डील करे। ये होती है लीडरशिप, ये होता है यूथ। आज यूथ बदल चुका है माय डियर फ्रेंड, लोगों के अंदर में पॉजिटिव एग्रेशन आ गया है। मैं आपको कहना चाहूंगा पॉजिटिव एग्रेशन आ गया है, इन बातों को आप समझिए। विवेकानंद जी आपके पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा। विवेकानंद जी आप अपनी चीजों को बंद करिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो इन चीजों को आप समझिए, समझना पड़ेगा। और यूथ, पूरा इंडिया यूथ से भरा हुआ है। इस लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में हम लोग बदलेंगे सारे युवा मिल करके। आज आप देखो 2 युवा, 2 यूथ हमारे साथ हैं, हमारे अंदर में और भी एनर्जी आ गई। अब मैं दोनों दुगने पावर से होस्टिंग कर रहा हूं, हमारा भी दिमाग उस यूथ वाला हो गया है। मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा, ऐसे भी मैं 42 का हूं तो यूथ ही हूं, ऐसा नहीं है। हमेशा हम लोग ट्रेनिंग में कहते हैं ये लोग शरीर से भी यूथ हैं, दिमाग से भी यूथ हैं। मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि दिमाग से आपको यूथ होना है। आपका एज कितना भी है क्या है कोई मैटर नहीं करता, आपको अपने दिमाग से यूथ होना है। आप अपने दिमाग को 16 साल 18 साल वाले दिमाग में लाइए, कन्वर्ट करिए, आपकी पूरी जिंदगी चेंज होगी। गोल्ड मार्केट के प्रोडक्ट जो एक बड़ा बिजनेस की ओर आप करिए। मैं कहना चाहूंगा कि 1000 PV का प्रोडक्ट हम अपने ID पे कर सकते हैं और करेंगे। एक एयर प्यूरिफायर सी बकथॉर्न, कोविड-19 आया, लोग
इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट को ज्यादा हम लोग फोकस कर सकते हैं अभी के समय में। इम्यूनिटी बूस्टर जैसे लाइक सी बोक्टोन, हमारा कम्बैटिक्स हो गया, हमारा ये विटामिन सी हो गया, आंवला हो गया, एस्पर्लिना है, नोनी है, ये सारे प्रोडक्ट जो है इम्यूनिटी बूस्टर, लोग हर लोग इसको जानने लगे हैं। मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा, खासकर यूथ से कहना चाहूंगा कि आपके रिवॉल्यूशन, जो ये रिवॉल्यूशन आया है, आपके आपके जो सपने हैं इसमें ये चार चांद लगाएगा। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूं आप दोनों का कि आप लोगों ने, आप लोग आए और बहुत सारे लोगों को आज आप लोगों की स्टोरी, आपकी बातें इंस्पायर की होगी। और ये पहला एपिसोड था हमारा केस वॉरियर यूथ आइकन का, और मैं आने वाले समय में अपने आप बिजनेस को इतना बड़ा कर लीजिए कि आने वाले समय में आप वेस्टीज के यूथ आइकन बनिए। ये मैं बिल्कुल सर, एक बिल्कुल। हमारी सोच है, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, हम लोग काम करते हैं, हमारी मदर कंपनी है, मैं उनके बैनर तले काम करता हूं, और हम लोग डिवोटी है कि हम लोग वेस्टीजियन है, हम लोग एक माध्यम बने हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि सारे वेस्टीजियन को हम लोग एजुकेट करें और सारे लोग समृद्ध हो, सारे युवा लोगों को रोजगार दे, सारे जितने भी जो सेकंड पीरियड, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, आने वाले समय में वेस्टीज इतना बड़ा परिवार होगा कि हम लोग अपने बच्चों को भी इस वेस्टीज में लाएंगे। हमारे बच्चे छोटे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, पढ़ाई जरूर पढ़ाऊंगा, अच्छा एजुकेशन जरूर दूंगा, और लेकिन वो आने वाले समय का एक वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। इतना बड़ा विश्वास आज है टचवुड। इन बातों को आप ख्याल रखिए। तो थैंक यू सो मच मिस्टर अभिषेक एंड मिस्टर विवेकानंद। थैंक यू सर। मैं आप लोगों को फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, 5 साल के अंदर में उसके बाद लैम्बोर्गिनी निकालना है, फरारी निकालना है, उसके बाद उसको ड्राइव करना है, उसकी फील करना है, आइलैंड, अपना एक प्राइवेट आइलैंड पर हम लोग बैठेंगे और हम लोग वहां पे मजे करेंगे। और कहा जाता है कि यूथ के बीच में रहो तो दिमाग तो ऐसे भी यूथ हो जाता है। ये सर, जैसे आज का जोश आपने देखा हमारा, मैं भी आप लोगों के बीच में बैठ करके वो जोश हमारे अंदर में आ गया। तो थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का, हाँ हाँ बताए विवेकानंद, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? सर एक चीज बताना चाहूंगा, जो एजुकेशन सिस्टम है केस द वॉरियर का, मैं इसके लिए हेड्स ऑफ करता हूं सर आपको, कि इतना जबरदस्त आपने सब चीज को सिस्टमेटिक ढंग से सबको सजाया है। और इस COVID-19 में जो हम लोगों का बिजनेस बढ़ने में, उसमें 90% जो वर्क किया है वो ये चैनल किया है, और इसके आने से, इसका एजुकेशन सिस्टम आने से सब कुछ हुआ है। मैं ज्यादा से जो जहां भी अभी जो मीटिंग कर रहा हूँ, होम मीटिंग कर रहा हूँ, सबको पर्सनली, सबके मोबाइल को लेता हूं और उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराता हूं केएस द वॉरियर के, और फेसबुक चैनल को भी लाइक कराता हूं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि उस मतलब मई मंथ में, पिछले जो मई मंथ में जो कोरोना का काल चल रहा था, उसमें लोगों के बहुत सारे बहाने थे कि मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, मेरे लेवल्स छूट रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस मंथ में मुझे अपना लेवल चेंज करना है, और डायमंड से मैं सीधा क्राउन गया था सर। वेरी गुड मई में गए थे। थैंक यू सो मच सर, कुलविजय सर, कि आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है सर। थैंक यू सो मच। मैं अब सारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फेसबुक जो पेज है उसको आप लाइक करिए, यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और बहुत बेहतरीन एजुकेशन मैं सारे वेस्टीजियन के लिए लेके आ रहा हूं। मैं चाहता तो मैं अपना प्राइवेट जूम मीटिंग भी कर लेता, हर चीज कर लेता, लेकिन मैं, क्योंकि जिस कंपनी में काम करता हूं, जिस कंपनी के साथ मैं हूं, मैं उसका एम्बेसडर हूं, एज ए वेस्टीज एम्बेसडर, हमारी कोशिश है कि मैं अपनी टीम को भी इक्विप करूं, अगर हमसे हमारे और भी वेस्टीजियन को लाभ मिल सके, या और भी ऐसे लोग जो वेस्टीज में ना जुड़े हों, अगर वो जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनको अगर ये चीज फील आती है, अगर उनके जिंदगी में बदलाव होता है, चाहे वो हमारे टीम में जुड़े ना जुड़े, वेस्टीज में जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारी ये जो कोशिश है ये बहुत ही, मैं अपने आप को सफल मानूंगा।
तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग केस वॉरियर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज. थैंक यू.